मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी आईएससी क्लास 12 का एक चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। एबीसी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट रेशियो 5:3:2, बैलेंस शीट आपका 31 मार्च 2014, एसेट्स में गुडविल दिया है, ये पास्ट लॉसेस हुआ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एसेट्स में डेटर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, मशीनरी, पेटेंट और बैंक बैलेंस 10,000। यहाँ देखिए लायबिलिटी में क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर बैड डेट वो डेटर वाला लेस जो होता है लायबिलिटी में दिया है, एबीसी का कैपिटल दे रहा है। यहाँ देखो आप सी रिटायर हुआ 1 अप्रैल, पार्टनर सी रिटायर हो जाएगा तो सी इज रिटायरिंग पार्टनर, ए बी रिमेनिंग पार्टनर। यहाँ गुडविल वैल्यूएशन के लिए दे रहा है 3 ईयर्स परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, ये देखिए 20,000, 12,000, 30, 6,000 लॉस है, माइनस हो जाएगा 34, 5 साल का प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, 4 ईयर का प्रॉफिट, 1 ईयर का लॉस है, प्लस माइनस करके 5 से डिवाइड कर देंगे एवरेज, 3 से इंटू कर देंगे गुडविल, इसका वर्किंग करना होगा। मशीनरी रिड्यूस टू 40,000, मशीनरी यहां देखो आप 50,000 है, इसका मतलब मशीनरी का दाम 10,000 कम होगा, 50 है 40 हो जाएगा तो 10,000 कम होगा। पेटेंट वैल्यूलेस, ये देखिए पेटेंट 4, ये वैल्यूलेस हो जाएगा, दैट इज इसका दाम 4,000 का 4,000 कम कर देंगे, वैल्यूलेस हो जाएगा, तो आपका मशीनरी कम हो गया, पेटेंट कम हो गया। देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, जरूरत नहीं है तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो प्रोविजन कैंसिल करना है, लायबिलिटी कम करना है, रिवैल्यूएशन में बाय। यहां देखो एक अनक्लेम्ड लायबिलिटी 2,000 रिटेन ऑफ, ये क्रेडिटर से 2,000 रुपया रिटेन ऑफ करना होगा, क्रेडिटर को कम करना है। ओके, कोई अनक्लेम्ड है, पैसा देना नहीं है तो उसको राइट ऑफ कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 1,000 ट्रीटेड एज प्रीपेड, ये एसेट्स हो गया, एक नया एसेट आया प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड 16,000, यहां देखो आप इन्वेस्टमेंट का दाम 30,000 है तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का दाम कम हो गया 14,000, 30,000 का इन्वेस्टमेंट है 16 हो गया, 14,000 दाम कम हो गया, अब प्लस ये सी टेक ओवर करेगा तो कैपिटल में 2 इन्वेस्टमेंट सी कॉलम। ओके, तो यहां आपको 2 से लेके 6 तक रिवैल्यूएशन मिला, एक नंबर में गुडविल, यहां कोई रिजर्व नहीं है बट ये वाला जो गुडविल है पास्ट लॉसेस। सी को जो पैसा पे होगा वो ए और बी लाएगा, ऐसे इस वे में लाएगा कि जिससे उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए, ये रहा न्यू रेशियो 2:1। तो सी को जितना पेमेंट देना है एग्जैक्ट दैट मनी शुड बी ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर ए एंड बी इन सच ए वे टू मेक देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। बनाना आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट, मशीन का दाम कम हुआ था 50 से 40 हुआ था तो रिवैल्यूएशन में एसेट्स का दाम कम हुआ 2, मशीनरी 10,000, पेटेंट 4,000 का था उसको राइट ऑफ कर दिए 2 पेटेंट्स 4,000, बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जरूरत नहीं है, कैंसिल कर देंगे बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5,000 था उसको कैंसिल कर देंगे बाई।
कोई अनक्लेम्ड लायबिलिटी है उसको भी रिटेन ऑफ कर देना है बाई क्रेडिटर। बैलेंस शीट में क्रेडिटर बोल के है, अमाउंट है 2000। ओके, इंश्योरेंस में से 1000 रुपया प्रीपेड होगा तो एक नया एसेट सामने आया, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 रुपया। ओके, इन्वेस्टमेंट का दाम 16000 हो गया, 30 था कम हो गया टू इन्वेस्टमेंट, 14000 दाम कम हो गया। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन। एक बार आप देख लो, ये देखो मशीन का दाम हो गया 40, अंदर देखो मशीनरी 50 है, 10000 कम हुआ। पेटेंट वैल्यूलेस, अंदर देखो पेटेंट 4000 है, वैल्यूलेस माने जीरो हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट को जरूरत नहीं है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 5000 था, लायबिलिटी कैंसिल कर दिए भाई। अनक्लेम्ड लायबिलिटी 2000 रिटेन ऑफ, यहां पर क्रेडिटर में कोई लायबिलिटी है 2000 अनक्लेम्ड उसको कैंसिल कर दिए भाई। इंश्योरेंस प्रीपेड एक एसेट सामने आया भाई, और इन्वेस्टमेंट का दाम 16 हो गया, अंदर है 30 यहां है 16, 14000 दाम कम कर दिए। ये हो गया रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है, डेबिट साइड प्लस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 28000, यहां आएगा 28000, आंसर 7 × 8 = 20000। ये लॉस हो गया बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल में ए बी सी लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10000, 6000, 4000। ओके, ये चला आएगा कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, फर्स्ट पार्टनर 1,40,000, सेकेंड वन इज 90,000, लास्ट 76,000। ये बाई में है तो यहां टू में आ जाएगा, लॉस है टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट है 10,000, 6,000, 4,000। ओके, तो रिवैल्यूएशन का आंसर लॉस था, ले आए। अब थोड़ा सा आप देखो यहां पे, ये कैपिटल का बैलेंस था, कोई प्रॉफिट नहीं है, यहां देखो लॉस है गुडविल, बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है, लॉस है ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, इसका वैल्यू 14,000 कम किए थे, 16,000 हो गया, ये टेकन ओवर बाय सी है, तो कैपिटल में टू। तो पहले गुडविल कैंसिल करते हैं, टू गुडविल अकाउंट, गुडविल कैंसिल होगा, 24,000 का गुडविल है, 12,000, ओके, 7,200, 4,800। इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर था, टू इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, रिटायरिंग पार्टनर ले गया है, लिख देते हैं टेकन ओवर, रिटायरिंग पार्टनर सी है, 16,000 मिल गया। क्लियर, अब थोड़ा वर्किंग करना होगा। ये देखो ओल्ड रेशियो 5:3:2, यहां गुडविल बोला है 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स, यहां देखिए आप न्यू रेशियो दिया है 2:1। ओके, तो चलिए थोड़ा वर्किंग कर देते हैं। वर्किंग में सबसे पहले लाते हैं ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो सी रिटायर है, न्यू रेशियो है आपका 2:1, गेनिंग रेशियो होगा न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो ए का न्यू रेशियो है 2/3 माइनस 5/10। ओके, एलसीएम हो गया 30, ये हो गया 20, ये 15, दैट इज 15/30। बी का हो गया 1/3 माइनस 3/10, एलसीएम इज 30, ये हो गया 10, 9,
ओके 1/30 देयरफॉर गेनिंग रेशियो 15:1। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ओके यहां पर ये 5/30 होगा, क्लियर है। अब गुडविल का वर्किंग करेंगे तो ये हो गया रेशियो हम लोग का एक नंबर। अब दो नंबर लाते हैं गुडविल, गुडविल लाएंगे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, क्लियर। आपका प्रॉफिट 5 ईयर का दिया हुआ है तो प्रॉफिट में 20,000, 12,000, उसके बाद 30,000, 6,000 लॉस है तो -6,000 और लास्ट में 34 प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5 × 3 ओके। तो 20, 12, 32, 62 20,000 प्लस 12,000 प्लस 30,000 माइनस 6,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाई 5 × 3 एक ही बार में आ गया, गुडविल आ गया 54,000। इसमें सी रिटायर है तो सी शेयर इन गुडविल, सी का शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। 54,000 में सी का शेयर है 2/10, तो 2/10 का मतलब हो गया आपका 10,800। इसमें एंट्री होगा रिमेनिंग पार्टनर डेविड टू रिटायरिंग पार्टनर, ओके सी कैपिटल, ए डेविड बी डेविड टू सी कैपिटल, सी का 10,800 और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 5:1 में, दैट इज 9,000 और 1,800। इसी का एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया हुआ था 5:32, न्यू रेशियो 3:1, गेनिंग आया 5:1। गुडविल का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल आ गया, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल लिए, रिमेनिंग पार्टनर ए बी में एडजस्ट कर देंगे ओके। यहां ले आते हैं बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीस कैपिटल अकाउंट, अमाउंट एडजस्ट होगा सी कॉलम में 9,1800 टू सी कैपिटल अकाउंट ओके 9,1800 डैश। अब जाने वाले पार्टनर को पेमेंट कर देना, अब देखो 1 से लेकर 6 तक हो गया, जाने वाले को पेमेंट देना है और ए भी पैसा लाएगा जिससे उसका कैपिटल न्यू रेशियो में आ जाए। तो सी का क्रेडिट में है 76,000 और अभी एंट्री हुआ है 9,000 और 1,800, दैट इज सी का हो गया आपका 86,800। यहाँ ले आते हैं 86,800 माइनस होगा इसका 4,800 ओके 16,000 का वो इन्वेस्टमेंट ले गया था तो इसका पेमेंट हुआ 62,000 टू बैंक अकाउंट पेड। ये जो पैसा 62 पेमेंट हुआ है वो ए भी लाएगा और प्लस उनका कैपिटल को आपको न्यू रेशियो में एडजस्ट भी करना है। तो सबसे पहले आप ए का क्लोजिंग कैपिटल समझो, इधर 1,40,000 है और डेबिट में आपका एंट्री है ये 10,000, 12,000 और 9,000, दैट इज 31,000 का एंट्री है तो उसका कैपिटल बच गया क्लोजिंग 109। बी का देखो क्रेडिट में 90,000 है और डेबिट में एंट्री है ये 9,000 और 15,000 का एंट्री है, 15 माइनस करेंगे तो उसका बच जाएगा 75। तो ये हो जाएगा ए और बी का क्लोजिंग कैपिटल। अब प्लस हम लोग जो सी को पेमेंट किए हैं 62, तो यहां पे वर्किंग करेंगे एडजस्टमेंट फॉर कैपिटल। हमको सबसे पहले टोटल कैपिटल लाना होगा, टोटल कैपिटल में आएगा ए का क्लोजिंग कैपिटल, ए क्लोजिंग कैपिटल
साथ में बी का क्लोजिंग कैपिटल, तो ए का क्लोजिंग कैपिटल आया था 109,000, बी का आया था 75,000, अ कैश ब्रॉट बाय देम, वो लोग जो सी को पेमेंट किए हैं वो भी पैसा वो लोग देगा, तो सी को पेमेंट किए थे 62,000, तो इसको प्लस करते हैं, इसको प्लस करने से टोटल हो जाएगा आपका 246,000, इसको न्यू रेशियो में एडजस्ट करना। ओके, यहां लाते हैं ए का न्यू कैपिटल, ए का न्यू कैपिटल कितना होगा, 246,000 इंटू 2/3 दैट इज 164,000। बी का न्यू कैपिटल 246,000 इंटू 1/3 दैट इज 82,000। तो सबसे पहले ए का क्लोजिंग कैपिटल लिए, बी का क्लोजिंग कैपिटल लिए, और सी को जो पेमेंट दिए थे उन लोग को लाना है टोटल कैपिटल 246, और उसमें न्यू रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो आया 164 और 82। क्लियर है? अब ये कैपिटल अकाउंट का फाइनल आंसर टू बैलेंस सीडी होगा 164.82। पैसा लाएगा, आंसर इधर आएगा, बाई बैंक अकाउंट ब्रॉट इन। जब आप इसको बाई बैंक करिएगा, डेबिट यहां प्लस होगा, यहां लाना है, यहां बाई बैंक आ जाएगा, तो बाई बैंक ए में आना चाहिए आपका 55,000। क्लियर? और इसमें आना चाहिए 7,000, 62 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, डेबिट में 10,000 प्लस 12,000 9,000, 164,000। डेबिट का टोटल है 195,000, यहाँ आया 195,000, माइनस कर दीजिए 140, देखिए 55 आ गया। बी का है डेबिट में आपका 6,000, 7,200, 82,000, टोटल इसका है 97,000। ओके, 97,000, 7,000 आ गया, 90,000 माइनस कर दीजिए, देखिए 7,000 आ गया। ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। अब आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में यहां लाते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में ए और बी, ए का 164 है और बी का 82 है, इसको प्लस कर देंगे 246 होगा। ये जो कैपिटल का बैलेंस बचा हुआ है, ये बैलेंस लाए हैं। इसके अलावा आप यहां देखो, क्रेडिटर 29,000 था, 2,000 रुपया क्रेडिटर को कम किए थे, तो यहां ले आते हैं क्रेडिटर 27,000। क्लियर? एसेट्स में देखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से रिवैल्यूएशन में कोई एंट्री नहीं हुआ था, जो था वही लिख देते हैं 142। मशीनरी, मशीनरी का दाम कम किए थे 10,000, तो मशीनरी लिख देते हैं 40,000। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर हो गया था, पेटेंट वैल्यू लेस हो गया था, तो बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर है, पेटेंट वैल्यू लेस है। डेटर, डेटर का प्रोविजन कैंसिल कर दिए थे, तो डेटर पूरा लिख देते 80,000। यहां तक कि बैंक, और एक आइटम आया था प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 रुपया था, अब बैंक में जो पेमेंट किए हैं वो ला दिया गया, तो बैंक में नो चेंज। अब दोनों तरफ प्लस करेंगे, टोटल मैच कर गया, समझिए सही हुआ है, ये आया 273,000। एसेट्स की तरफ हुआ 142,000, 40,000, उसके बाद डेटर का 80,000, 10,000, अब प्रीपेड का 1,000, यस 273। ओके, तो बैलेंस शीट का टोटल मैच कर गया। तो आप देखो कैसे बना, बिल्डिंग का दाम में कोई चेंजेस नहीं किए, मशीनरी कम किया गया, डेटर में नो चेंज, बैंक जैसे था वैसे रख दिए, और एक नया एसेट आया प्रीपेड। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिए, क्रेडिटर 2,000 कम कर दिए,
ये आपका बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दे दिए, गुडविल का एंट्री दे दिए, गुडविल सी को मिला, ए बी से डिडक्ट कर लिया गया, बैलेंस शीट में गुडविल था, लॉस हुआ, राइट ऑफ कर दिए ओल्ड पार्टनर में, इन्वेस्टमेंट सी ले गया था, रिवेल्युएशन का लॉस हुआ था। ठीक है, तो उम्मीद करते आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।